Welcome to our Sree Om Screen Printing YouTube channel. Last video में मैंने आपको सिखाया cotton कपड़े पर किस तरह printing करते हैं. इस YouTube के द्वारा हमने आपको पूरा screen printing course सिखा रहे हैं. तो last video में दो videos में cotton के कपड़े पर print करना आपको दिखाया. आज हम करेंगे gold printing कैसे करना है. सब आजकल गोल्ड बहुत पसंद करते हैं. महिलाएं चमकने वाले कलर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. तो आज हम गोल्ड करेंगे, उसके बाद कॉपर, सिल्वर, पेरल कलर्स ये सब दिखा दूंगी. अब देखिए हम इस स्क्रीन को यूज़ करेंगे. ये बड़ा फ्लावर बुटा स्क्रीन है. इस स्क्रीन के साथ हम गोल्ड प्रिंटिंग करेंगे. ऑलरेडी मैं इसक्रीन ये कपड़े पर दो सैम्पल्स बनाई देखिए. तो आज मैं करके दिखाऊंगी आपको. आपको समझाया था मैंने गोल्ड प्रिंटिंग के लिए अलग बाइंडर, गोल्ड बाइंडर बोलते हैं. इसमें ही हम गोल्ड पाउडर मिक्स करना है. सिल्वर कलर चाहिए तो सिल्वर पाउडर मिक्स करना है, और कॉपर चाहिए तो कॉपर. तो आज हम इसमें गोल्ड पाउडर मिक्स करेंगे. ये है गोल्ड बाइंडर, ये गोल्ड बाइंडर है. गोल्ड बाइंडर का रेशियो है 3 चम्मच बाइंडर के साथ 1 चम्मच पाउडर मिलाना है. तो जो आज हम सैंपल बना के देखेंगे, तो हम 1.5 स्पून लेंगे बाइंडर. 1 स्पून हो गया, अब आधा लेंगे. तो ये 1.5 स्पून है बाइंडर. इसके साथ हमको 1/2 चम्मच पाउडर मिलाना है. ये गोल्ड पाउडर है. इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे. देखिए इसके साथ फिक्सर ज़रूरी है. 1.5 स्पून बाइंडर है, फिक्सर है, तो हम इसमें 10 बूंद डालेंगे. 4, 5, 6, 10 अच्छी तरह मिलाना है. धीरे धीरे मिलाना है. देखिए कलर चेंज होता जा रहा है. पाउडर उड़ेगा इसलिए धीरे धीरे मिलाना है. देखिए कैसा चमक रहा है. गोल्ड पाउडर को ज़्यादा दिन स्टॉक नहीं रखना चाहिए. गोल्ड बाइंडर को ऐसा मिला के बाद में आपको थोड़ा बच गया, तो 3 दिन से ये ज़्यादा नहीं स्टॉक रहेगा, क्योंकि ख़राब हो जाएगा. अगर बाकी जो बाइंडर्स मैंने दिखाया कॉटन पर यूज़ करने वाले हैं, उसको कम से कम अगर थोड़ा ज़्यादा आपने मिक्स कर दिया, बच गया, तो 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं. और ज़्यादा स्टॉक मत रखिएगा, क्योंकि ख़राब हो जाएगा कलर मिक्स करने के बाद. तो इसको 3 दिन तक आप रख सकते हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो आपसे. तो हम इसके ऊपर अब प्रिंटिंग शुरू करेंगे.
डिज़ाइन बड़ा है तो स्क्वीज़र बड़ा लेंगे। गोल्ड बाइंडर को कम से कम 3 बार तो स्क्वीज करना है, 3-4 बार बस हो गया। अब देखेंगे, अब देखिए, अब आपको मैं नज़दीक से दिखाऊंगी। अब देखिए डिज़ाइन को, इसके बीच में आप कुंदन चमकी कुछ लगा सकते हैं, बीट्स चिपका सकते हैं, आपकी मर्जी। इसको आप बॉर्डर के डिज़ाइन बना सकते हैं या पूरा साड़ी को कर सकते हैं। तो ये सारी मटेरियल्स हमारे पास मिलेंगे, इंडिया वाइड कुरियर करेंगे। आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में सिल्वर प्रिंटिंग, कॉपर प्रिंटिंग एंड पैरल और भी है। तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। I'm not going to do that.